दोस्तों, मेरा नाम है मोहित कुमार और आप देख रहे हैं डिजिटल मोहित। दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं कि मैं टीवी स्क्रीन के अंदर बोल रहा हूं। इस तरीके से आपको भी अगर एडिटिंग सीखनी है कि टीवी के अंदर आप लोग अपना वीडियो कैसे बना सकते हैं, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको अपना काइनमास्टर ऐप ओपन कर लेना होगा। काइनमास्टर ऐप ओपन करने के बाद आप प्लस वाले आइकन पर क्लिक करिए। फिर आप यहां से सस्टेन रेशियो 9 वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करिए। फिर आप यहां से मीडिया वाले ऑप्शन पर क्लिक कर दीजिए। फिर आपको पिक्चर पर क्लिक करना होगा, या पिक्चर हमें पहले से डाउनलोड कर रखा है तो यहां से सिलेक्ट कर लिए। सिलेक्ट करने के बाद आप वीडियो को जितने ड्यूरेशन तक रखना चाहते हैं उतने दूर तक आप पिक्चर को बढ़ा लीजिए। पिक्चर को बढ़ाने के बाद आप यहां से एक्सपोर्ट कर सकते हैं। एक्सपोर्ट करने के बाद आप इसको एक्सपोर्ट कर लीजिए। एक्सपोर्ट करने के बाद आपको दोस्तों, अगर आपको यह इमेज चाहिए तो आपको यहाँ पर हमारे वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारे इंस्टाग्राम की आईडी मिल जाएगी। वहाँ से जाकर आप हमारे इंस्टाग्राम आईडी को फॉलो कर लीजिए। फॉलो करने के बाद आप हमें मैसेज कीजिए। मैसेज करने के बाद आपको यह इमेज वहाँ पर प्रोवाइड हो जाएगा। दोस्तों, आप हमारे इंस्टाग्राम आईडी को फॉलो करके रखिए, क्योंकि हम वहाँ पर एडिटिंग से रिलेटेड नई नई चीज़ें डालते रहते हैं। आपको जैसे हमें मैसेज करेंगे, आप जो भी चीज़ मांगेंगे वहाँ पे आपको इंस्टाग्राम पर प्रोवाइड हो जाएगी। और दोस्तों, आप वहाँ से इजीली एडिटिंग सीख पाएंगे। आप दोस्तों देख पा रहे होंगे कि हमारा जो वीडियो है यहाँ पर एक्सपोर्ट हो चुका है। एक्सपोर्ट होने के बाद आप इस इमेज को डिलीट कर दीजिए। इमेज को डिलीट करने के बाद फिर आपको मीडिया वाले ऑप्शन पर जाना होगा। फिर आप जो वीडियो शूट किए हैं उस वीडियो को सिलेक्ट कर लीजिए। तो हम यहाँ पर जो वीडियो सेलेक्ट कर लिए हैं, हम अपना वीडियो यहाँ पर वीडियो सेलेक्ट करने के बाद आपको लेयर वाले ऑप्शन में जाना होगा। लेयर वाले ऑप्शन में फिर मीडिया पे जाना होगा आपको। मीडिया पर क्लिक करने के बाद आप जो वीडियो एक्सपोर्ट किए हैं एक्सपोर्ट वाले में ऑप्शन में होगा, वहाँ से जाके आप उसको सेलेक्ट कर लीजिए। सेलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पर रेक्टेंगल देख रहे हैं, रेक्टेंगल पर जाकर क्लिक करना होगा। फिर यहाँ पर फुल वाले स्क्रीन पर इसको फुल कर देना होगा। फुल करने के बाद आप इसको ओके कर दीजिए। ओके करने के बाद आप इसको सिलेक्ट करिए। फिर आपको नीचे क्रोमा की का ऑप्शन मिल जाएगा। क्रोमा की पर आप इसको इनेबल कर दीजिए। उसके बाद से आप इसको सेट कर दीजिए। सेट करने के बाद आप देख पा रहे होंगे कि आप टीवी स्क्रीन के अंदर दिखने लगे हैं। उसके बाद से आपको क्या करना होगा, इमेज पे सिलेक्ट करना होगा। उसके बाद से यहाँ पर आपको इक्वल टू पे क्लिक करना होगा। फिर आप इसको थोड़ा सा जूम कर लीजिए। जूम करने के बाद आपको जितना फिट करना है अपने स्क्रीन में उतना फिट कर लीजिए अच्छे से। फिट करने के बाद आपको क्या करना है, आप देख पा रहे होंगे कि पूरी तरीके से ये फिट हो चुका है स्क्रीन पर, और आप देख पा रहे होंगे कि हम टीवी में अच्छे से बोल पा रहे हैं। तो दोस्तों, आपको यह वीडियो अच्छी लगी है तो फटाफट से लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। दोस्तों, आप ऐसे ही एडिटिंग सीखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा आप वीडियो को वायरल कीजिए, ताकि और लोग भी काइनमास्टर की एडिटिंग सीख पाएँ। दोस्तों, लास्ट तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।